तो देखो वेलकम है तुम्हारा इस चैनल में पीनट बटर। हाँ तो मेरे साथ मेरे भाई हैं शिव भाई। पहले मैं तुम्हें गाड़ी दिखा दूं, तुम गाड़ी देखो। अपने पास यहाँ पे है BMW सेकंड सीरीज ग्रैंड कूपे एम स्पोर्ट्स। भाई मैं सही बता रहा हूँ, इस गाड़ी के फीचर्स इतने तगड़े ना। पहले तुम शिव भाई से बात करते हैं। शिव भाई कैसे हो आप? मैं बढ़िया भाई, आप बताओ। देखो ये कोई ऐसे से भाई नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर मैं धीरेज भाई को बताऊँ, धीरेज भाई मेरी IMT की जो मेन बैग थी ना वो शिव भाई के ग्रुप की थी। तो शिव भाई और मेरा यारा ना बहुत पुराना है, मतलब हम क्या है कि IMT का मिल कम पाए क्योंकि हम दोनों के कांड हो गए थे जीवन में। मेरा भी अलग हो गया था, भाई का तो बहुत फेमस, तुम्हें बताऊंगा नहीं वरना तुम पहचान जाओगे। ठीक है तो आओ जरा गाड़ी की बात करते। देखो यार पहली बात तो भाई गाड़ी गाड़ी होती है, ठीक है, और BMW सेकंड सीरीज ओ हो जैसे बोलते ना क्या ही गाड़ी है यार। जरा फीचर चेक करते हैं। सबसे पहले तुम देख लो यहाँ पे यार अपने पास BMW की LED मिल जाएगी, ठीक है। और भाई इस एक LED की भाई मैं देखता हूँ 15 से 20 हजार। जहाँ BMW का छाप लग जाए वहाँ भाई फिर रेट तो ज्यादा ही, ठीक है। तो इसकी LEDs बहुत सेक्सी है, तुम देख लो BMW LED यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो मैं देखो मेरा कहना होता है ये दो आंख है इसकी, दो आगे वाली आंख है और दो पीछे वाली आंख भी तुम्हें दिखाऊंगा। यहाँ पे तुम देख लो ग्रिल सेट है, ठीक है। ये अपना BMW का लोगो जो हमने बचपन में बहुत चुराने की कोशिश करी है। भाई आपने कभी आपने तो कहा करी होगी, ये है ना इंसान। अब आओ जरा यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो हम एलॉयज पे नजर डालते हैं। भाई ये 18 इंच कितने इंच किलो है? 18 इंच किलो है। और ग्राउंड क्लियरेंस यार थोड़ा कम है इस गाड़ी का, थोड़ी आपको दिक्कत आती है इतना ऐसे कुछ, लेकिन देख के थोड़ा लग रहा है कि यार ग्राउंड क्लियरेंस हल्का सा कम है इसका, ठीक है। तो थोड़ा मतलब देख के चलाना पड़ता है। बाकी यार एलॉयज तो तुम्हें बता दिया 18 इंच के अलॉय है और ये टायर है अपना, ठीक है। आओ जरा पीछे की बात करते हैं। ओए होए मैं बता रहा हूँ इस गाड़ी की सबसे मेन चीज पर है क्या, इसकी पीछे की आंख तुम देख लो क्या इसको खींचा गया था तगड़ा। यही तो लुक है यार, तुम देख लो यहाँ पे डुअल अपने एग्जॉस्ट है और ये तो बस यू ही बना रखा है शो के लिए, इसका कुछ फीचर नहीं है, ठीक है। 220i ये भाई पेट्रोल वर्जन है ना, अपना डीजल वाला भी आता है। ये बताओ डीजल और पेट्रोल में डिफरेंस क्या है? डीजल है 10 साल और पेट्रोल है 15। अच्छा हाँ, और बट एम स्पोर्ट्स आता है सिर्फ पेट्रोल। बाकी भाई लुक देखे तो बहुत बेहतरीन है। और ये बताओ गाड़ी आपकी ये पहली है ना, ये आपकी फर्स्ट सुपर कार फर्स्ट स्पोर्ट्स कार है, तो रीजन भाई ये बताओ BMW सेकंड सीरीज ही क्यों? भाई इसके एक तो फर्स्ट तो फ्रेमलेस डोर, हाँ और मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया, अरे जो सिर्फ इसी मॉडल में आ रहा है। नहीं कलर तो बहुत बेहतरीन यार सच में। मैं बता रहा हूँ तुम्हें ये गाड़ी पड़ती है भाई करीब 40 लाख से ऊपर की। भाई ने तो 2021 मॉडल लिया है, तो आपको कितने की पड़ी? मेरे को 44.5 लाख रुपीज की। देखो बंदे की पहली गाड़ी है और वही 44 लाख की है। और ये नहीं भाई आपके पास और भी गाड़ियां भी हैं, क्या क्या है? ऑडी है, स्कॉर्पियो है, सिविक है, मतलब दो ऑडी है, एक Q5 और Q7 है। अच्छा और भी गाड़ी है। देखो जब बंदे को अपनी गाड़ियों के कलेक्शन बताते स्माइल आ जाए ना, तब समझ लो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है कि यार तू बता कितने सुनना चाहता है, बहुत मंगा देंगे। तो ये वाला केले, ठीक है। बाकी आओ भाई अंदर बैठते हैं, जरा अंदर बैठ के गाड़ी के फीचर्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम देखो मैंने गाड़ी को खोला और यहाँ पे गाड़ी खोलते ही तो अगर तुमने ध्यान दिया हो, मैं तुम्हें दोबारा से दिखाता हूँ। मैंने गाड़ी को खोला और देखो ये जो फ्रेमलेस मिरर्स है ना ये अपने आप नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सी खास बात है, बाकी तुम देख लो कितना अच्छा लुक आ रहा है ऐसे यार, मतलब फ्रेमलेस मिरर्स का ना एक बहुत सही लुक आता है कि हाँ एक अपन की स्पोर्ट्स कार में है। ये देख लो एम स्पोर्ट्स की प्रॉपर बैजिंग हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये पावर स्टीयरिंग से कंट्रोल है। भाई मुझे ये बताओ जैसे जो अपनी थर्ड सीरीज है वो भी तो लगभग सेम प्राइस की थी ऑलमोस्ट, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, 3-4 लाख का ही फर्क है, बट इसमें ये कलर और फ्रेमलेस डोर सिर्फ इसमें आ रहा है इस टाइम। अच्छा और बहुत रीजनेबल प्राइस है, BMW का नाम कर 44 लाख रुपए कुछ नहीं है। हाँ यार ये मुझे पता चला कि यार BMW सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है और अच्छी मतलब सिटी ड्राइव कार है। कुछ फीचर बताओ जो आपको बहुत बेस्ट लगते हैं इस गाड़ी के, मतलब एक्सप्लेन करो जरा। एक तो इसके जेस्चर कंट्रोल है। अच्छा अगर आपको वॉल्यूम करना है। अरे वाह तुम ध्यान दे रहे हो भाई, ये फिर आपकी उंगली पहचान पा रही है बस। ऐसा भी कुछ है क्या? आदत नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट आदत हो चुकी है ना, कई बार ऐसा उसमें समझ नहीं आता कैसे करना। स्टार्टिंग आपको दिक्कत बहुत होगी, करते रहते हो कि ऐसे बंदे देखते हो क्या कर रहे हैं अंदर। अब इसको म्यूट करना है तो अब ऐसे कर दो यार, मजा तो बड़ा था खेलने में। और चेंज करना है तो ऐसे हो गया। अरे भाई ये बहुत बेहतरीन फीचर, मतलब टच करने की कुछ खास जरूरत है भी नहीं, नहीं। लेकिन यार ये दिक्कत नहीं होती होगी आपको, जैसे मैंने अभी ऐसे से बात कर रहा हूँ तो अपने आप इसका जेस्चर काम करने जाता है, नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, इसके प्रॉपर एक मतलब जेस्चर कंट्रोल के लिए मतलब वो बना रखे, जेस्चर्स बना रहे, जबी तो ये जेस्चर कंट्रोल इसलिए तो किया जाता है। ओके तो मतलब आपको गाड़ी चलाते ये और ऐसे इन पे ध्यान देना है, कोई बाहर सेल्फी खींच रहा हो तो भाई ये नहीं करना गाड़ी के अंदर, वरना फिर ये म्यूजिक सिस्टम अपने आप चलने पड़ेगा, ठीक है। तो भाई और जरा ध्यान देते हैं। भाई सबसे मेन चीज तो मुझे इस गाड़ी लगती है एम्बियंस लाइटिंग, और ये क्या है कि यार देखो नॉर्मल गाड़ी से काफी अलग, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो अभी तो थोड़ा लाइट है वैसे कम देखेंगे, इसके जरा वो सेटिंग्स पे आए हम। ये देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटीरियर लाइटिंग्स पे तो हाँ, तो भाई अब इधर से कंट्रोल करते हो सारा, से भी कर सकते ज्यादा टच भी है वैसे, तो आप टच यूज टच तो यार आदत इसमें यार ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा मतलब आपने ज्यादा मैनुअल चलाया मुझे लग रहा है, इस हाथ को मतलब फ्री नहीं छोड़ सकते अपन, ठीक है समझ रहा हूँ मैं। ये देखो जैसे ये ब्लू हो गया, अब इसको चेंज करो एक बार, ये देखो ये पर्पल कलर प्रॉपर देख रहे हो, छह कलर है इसमें। और मैं बता रहा हूँ ये ना अभी दिन है इसे तुम्हें पता नहीं लग रहा, मतलब इतना सेक्सी लुक देता है ना ये, जो तुम देख रहे हो क्रिस क्रॉस वाला जो डिजाइन है, सारे पैसे तो इसके ही यार, ठीक है। और इसमें भाई एक तो डुअल जोन AC है, इधर का अलग उधर का अलग, और साथ में अगर हम बात करें तो ये भी टच है
अगर आप जैसे जब भी हमें कोई भी रेडियो वगैरह के लिए अगर ऐसा अच्छा देखो ये टच यार तो ये बताओ थर्ड सीरीज में इतने फीचर आते हैं सेम फीचर ऑलमोस्ट सेम है कुछ फर्क नहीं है मतलब बस थोड़ा इंजन पर जितना मेरे को नॉलेज है कि थर्ड सीरीज में शायद से थोड़े कम फीचर है इसमें ज्यादा है क्योंकि ये आपकी टॉप मॉडल भी है टॉप मॉडल नहीं काफी फीचर्स है इसमें यार तो ये ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक और साथ में इसके पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं तो आप ये बताओ टॉप स्पीड कितनी भगाई आपने अभी तो भगाई नहीं है भाई देख लेंगे लेकिन अगर हम बात करें तो फिर भी मतलब 200 तो कुछ नहीं मानती है और इसमें तीन मोड भी है इको है कंफर्ट है और स्पोर्ट्स है देख लो मतलब बता रहा हूँ ये भाई ऐसे इन्होंने गाड़ी ले ली शौक के लिए होता है ना कि भाई गाड़ी चाहिए अपने को ज्यादा कंट्रोल वंट्रोल पे ज्यादा ध्यान देते नहीं अपन नहीं भाई हमें तो बस नॉर्मल दिखाना है ये भाई देख लो अपने जाट गुजर भाई होते हैं ऐसे ही ठीक है पैसा बहुत है क्या चाहिए और पैसा और अगर हम बात करें फीचर्स तो ठीक है लेकिन मेरी नजर ना यहाँ इस घड़ी में पड़ रही है ये मेरी पहली वीडियो है ठीक है आपको पता है और मैं कोई नॉर्मल वीडियो नहीं बनाता ठीक है अपने अंदर वो बच्चों की कीड़ा ना वो बार बार काटते रहता है तो मेरा ध्यान इस पे छोड़ के अभी इस पे जा रहा है इसका बताओ ये कौन सी घड़ी है यार ये रोलेक्स है मतलब इसको तो हो गए 2 या 3 साल तो हो चुके मतलब मुझे लगता है आप नकली सामान खरीदते ही नहीं नहीं भाई भगवान ने दे रखा है तो असली ले लेंगे अरे दे रखा है अच्छा इको में क्या है एक तो फ्यूल एफिशिएंसी होती है तो कंफर्ट मोड में क्या होता है कंफर्ट मोड में मतलब नॉर्मल वो अपने हिसाब से चलती है गाड़ी अच्छा अब इको में ये है कि आपके पावर भी कम हो जाएगी हाँ पावर कम हो जाएगी क्योंकि वो फ्यूल बचा रहा है फ्यूल बचा रहा है हाँ। और तो नॉर्मल ड्राइवर मैं तो कंफर्ट में ज्यादा प्रेफर करता हूँ चलाना ही वो सही रहता है अच्छा स्पोर्ट्स आप चलाते हो स्पोर्ट्स मतलब जब लंबा टूर होता है वगैरह पर कोई खाली जगह हुई तो भाई ठीक है इसको ना अभी हम एक बार बाहर चलाएंगे भी ठीक है एक बार जरा सनरूफ की बात करते हैं तो मैं रुको मैं 0.5 पे दिखाता हूँ ये है पैनारोमिक सनरूफ ठीक है और भाई अच्छा खासा बड़ा यार मतलब मुझे लग रहा था कि शायद छोटा होगा आप पैनारोमिक नहीं मिलेगा अच्छा वरना सब में छोटे छोटे सनरूफ है इसमें पूरा दे रखा हाँ नहीं सच में काफी सही यार मुझे मतलब YouTube यार जितना मैंने नॉर्मल भी देखा है मुझे लग रहा था छोटा होगा लेकिन भाई पूरा खोलो एक बार ये देखो बस एक पुश से ही प्रॉपर खुल जाता है ठीक है अरे वाह क्या बात है तो कभी आप ऐसे शोशाबाजी में नहीं यार नहीं दोस्त यार निकल गए तो ठीक है वैसे नहीं ऐसा कुछ शौक नहीं इस चीज का क्या शौक है बाकी यार अगर हम बात करें स्पेस की ठीक है यार थोड़ा सा मतलब जैसे मैं इतना लंबा हूँ मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है ठीक है तो मुझे बैठने में ना स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत हुई मुझे सीट पीछे करनी पड़ी और मैं जानता हूँ भाई पीछे और दिक्कत होगी पीछे थोड़ा लेग स्पेस की कमी है ये इस गाड़ी की एक बैड पॉइंट है मैं भी 6 फुट का ही हूँ आपके भाई पापा तो मेरे ख्याल से और भी बड़े बहुत बड़े 6-4 हाइट है उनकी तो वो तो आते भी नहीं इस घर चलाते नहीं है अच्छा ले ली तुमने लेकिन इस गाड़ी की खास तौर पर मुझे क्या लगती है ये गाड़ी ना आपको प्रॉपर एक फील देगी यंग वाला जैसे आप काफी यंग हो हाँ मतलब ये यंगस्टर्स के लिए बहुत बेस्ट गाड़ी है हाँ ये तो है इसके CLA आती थी उससे अच्छी है उससे अच्छा फीचर है अच्छा हाँ उससे अच्छे दिखने में भी अच्छी है CLA 200 से मतलब सेम है इन दोनों की तो आप ये बताओ जैसे मुझे अपना थोड़े आप बैड पॉइंट्स बताओ इस गाड़ी की जो आपको मतलब नहीं मजा आया इसमें बस एक ही चीज मुझे गंदी लगती है इसकी मतलब स्पेस अच्छा स्पेस का थोड़ा सा मामला स्पेस का कम है और ऐसा कुछ नहीं और ऐसा बाकी सब सही है इसमें ADAS है मतलब वो ऑटो ड्राइविंग वाला फीचर है इसमें क्रूज है ओके तो एक बार एग्जॉस्ट की साउंड सुनते हैं ठीक है आओ जरा एग्जॉस्ट की साउंड सुनते हैं बाकी देखो इसमें निकलने में ना बड़ी थोड़ी दिक्कत तो होती है मारो भाई खैचा मारो देखो अरे वाह भाई ये हुई ना बात बहुत बेहतरीन भाई बहुत बेहतरीन असली मजा तो खैचे में ही आता है ठीक है इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है ना ये देखो तो देखो ये इसका बोनट है ठीक है और यहाँ पे ध्यान देते हैं असली चीज तो भाई ये है ट्विन पावर टर्बो इंजन भाई आपको वैसे पता है कितने सीसी का इंजन है नहीं मैं रट के आया हूँ 2000 सीसी का इंजन है विद 198 शायद टॉर्क ठीक है टॉर्क का तुम संभाल लेना वो शायद मैं कर दूं लेकिन 2000 सीसी का इंजन तो है लेकिन इसकी एक खास बात है भाई आपको पता है इसकी स्पीड और वो पावर कहाँ से आती है इसमें टर्बो चार्ज इंजन है ये बताया आपको तुम लोगों को बताइए टर्बोचार्ज इंजन मतलब मैक्सिमम जैसे बोलते ना एक्सीलरेशन ही एक्सीलरेशन खतरनाक पावर तो ये कुछ इसका इंजन है और हाँ सबसे मेन चीज इस गाड़ी की सबसे खास बात ये कि भाई ये फ्रंट व्हील ड्राइव है अब मुझे बताओ जैसे आपकी जितनी गाड़ी है आपके ऑडी सारी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव होती है ना ऑडी ऑल व्हील ड्राइव है अच्छा ऑडी ऑल व्हील ड्राइव है ओके ओके तो थोड़ी हम इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ ले रहे यार ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा तो भाई फ्रंट व्हील आप पहली बार चला रहे थे क्या डिफरेंस आया बैठ के दिखाता हूँ आपको चलो ठीक है फिर आ जाओ तो अभी कौन सा मोड है भाई अभी कम्फर्ट मोड है ठीक है तो अब तुम्हें ड्राइविंग दिखाते हैं ओके तो ये कंफर्ट मोड है अरे भाई ये कंफर्ट मोड है ये तो मेरी एक्सयूवी कैसा लग रहा है टॉप स्पीड हो गई वो अपने जब पूरी जान लगाती है ना मेरी एक्सयूवी तब ऐसी भागती है लेकिन तुम एक चीज देखो यार मतलब इस गाड़ी बैठ के ना जो लुक आता है ना अभी देखो मेन क्या है कि मैंने थोड़ी सीट बेल्ट कुछ टाइम के लगाने रखी तो टूं टूं कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा माफ कर देना बस थोड़ा सा तुम्हें घुमा के दिखा रहे हैं इसका एक बार आप की दिखाओ यार की कहाँ है देखो इसकी की भी काफी सही लगती है मुझे तुम देखो ओए वैसे भाई अगर आप चेंज करना चाहो ना आजकल टस्किन वाले की भी आ रहे हैं वो इससे हायर वर्जन ओके लेकिन आप मॉडिफाई भी करा सकते हो आपको पता है मतलब वो करवा सकते हैं बट क्या मूड नहीं है चलो ठीक है सिंपल तो अब स्पोर्ट्स में हो गया ठीक है अब स्पोर्ट्स में हो गया अब तुम देखना वाटर और अब भाई कितनी वेट जा रही है सामने हमारा स्पोर्ट्स मोड का फीचर ये होने नहीं दे रहा यार वेट देख लो आ जाओ भाई ओए अरे वाह देख रहे हो
97, 100 मेरे ख्याल से भाई 7 सेकंड के आसपास में 100 टच कर देती है, और चलाना बंदा तो भाई वो 5 सेकंड भी कर दे। अब हम मंगा रहे हैं BMW सेकंड सीरीज ग्रैंड कूपे, ठीक है, देखो क्या सही। अरे वाह, आओ जरा पैडल शिफ्टर्स में प्लस करते हैं एक और, और फिर रेस देते हैं गलत। अरे वाह, ओ भाई यार तो फील ऐसी है कि मतलब बस लंबी सीधी सड़क हो अपन चलाते रहे। और हाँ, मेन तो यार गड्ढों में बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें। अब मैंने यहाँ पे सिंपल रेस दिया और देखो कैसे। तो भाई आप पैडल शिफ्टर्स का मतलब अक्सर यूज करते रहते हो, है ना? इसमें कितने गियर है? 6, 7। इसमें टोटल 7 गियर है, देख रहे हो, पड़ गया पूरा मैं। ये यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो भी है, जल्दी अपन स्कॉर्पियो का भी रिव्यू करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक क्या कि ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होती है, इजी बहुत है, आपको कंफर्ट है, इजी बहुत है। मैनुअल में ना इस हाथ का बड़ा काम होता है, ऐसे 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 ये नहीं है इसमें। अब देखो यार इस वाली वीडियो को वहीं पे एंड करता हूं, ठीक है। मुझे बता देना कमेंट्स में तुम लोगों को BMW सेकंड सीरीज ग्रैंड कूपे कैसी लगी। बाकी अगर तुम मुझसे पूछो, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगी, गुड पॉइंट्स उसके बहुत सारे, लेकिन अगर बैड पॉइंट्स की बात करें, थोड़ा इसमें स्पेस और कंफर्ट का हल्का सा मैटर है, लेकिन सही है। ऑल ऑल जैसे बोले ना कि गाड़ी बहुत बेहतरीन है, 40 लाख की है यार, मतलब क्या चाहिए 40 लाख में, और इतने सारे फीचर सब कुछ बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। देखो अगली जो वीडियो है वो बहुत मेन है, अपन लेमोजीन्स का प्रॉपर रिव्यू कर रहे हैं, बहुत तगड़ी लेमोजीन, देखो अगली वीडियो देखना बस, ठीक है। इस वीडियो को एंड करता हूं मैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो खत्म करते हैं वीडियो को। तो यार मैं पीने बटर आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइन आउट।